फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस वाई ए पी एस यूट्यूब चैनल पर। मैं पी एस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का पार्ट 11। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट से पार्ट 10 तक की इस वीडियोस अपलोडेड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर पर्यावरण एम पी जी के साइंस और आपका है ना इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर कि भी इस वीडियोज़ अपलोडेड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि आपको अच्छा टारगेट करना है, अच्छा स्कोर करना है एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े रहें और सारी वीडियो को वॉच करें और क्वेश्चंस को लिखते जाएं। आई स्वेयर कि आप 100% आपका है ना आप अच्छा स्कोर करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स से और अपने फैमिली मेंबर से भी सब्सक्राइब अवश्य करवाएं, है ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह है तत्व जिसमें यौगिक बनाने का एक वृद्ध गुण है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन इज़ द राइट आंसर ऑप्शन ए। और एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये भी क्वेश्चन आपसे दो से तीन बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन समूह के अन्य दो तत्वों के नाम लिखिए। ऑप्शन ए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम इज द राइट आंसर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें .. इनमें से कोई नहीं। इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हाइड्रोकार्बन का सरल रूप है। ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो है ना हाइड्रोकार्बन का सरल रूप, तो इसका जो है ना ये ऑप्शन ए मैथेन इसका करेक्ट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके पेपर में आ चुका है, सभी बच्चे है ना क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कार्बन का परमाणु भार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 12। कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 है, कितना है 12। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है ना ऑप्शन सी पेट्रोलियम इसका जो है ना करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप क्या है। उपयुक्त सभी इसका डी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर है, हीरा ए ऑप्शन, ग्रेफाइट बी ऑप्शन, काजल सी ऑप्शन, इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, कार्बन का प्रतीक है। कार्बन का जो प्रतीक है वो सी है। ये क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में पूछा गया था कि कार्बन का प्रतीक क्या है, तो इसका जो है ना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का आकृष्टीय रूप है। ऑप्शन सी कोक जो है ना इसका करेक्ट आंसर है कोक। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है 11, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड इसका जो है ना करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। तो इसका जो है ना ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मतलब कि अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट लाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, कौन सा एक विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, हीरा में अधिक चमक का कारण है। हीरा में अधिक चमक का कारण क्या है। ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15, मार्स गैस कहलाती है। मार्स गैस क्या कहलाती है? ऑप्शन सी मैथेन कहलाती है। क्या कहलाती है? मैथेन। ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 16, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन सी CnH2n+2। इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कांच को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है डायमंड का। डायमंड का प्रयोग किया जाता है कांच को काटने के लिए। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर्स में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश है। हीरा जो है ना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हीरे का आवर्तनांक होता है। हीरे का जो आवर्तनांक होता है 2.5 होता है। कितना होता है? 2.5। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हीरे का गलनांक होता है। हीरे का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 3500 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, हीरे में कार्बन परमाणु की संरचना है। ऑप्शन ए त्रिफलकीय। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है, त्रिफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एलपीजी गैस का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन बी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम कई बार पूछा गया है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का जो पूरा नाम है ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आयतन के आधार पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन बी 0.03%। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन परमाणु परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन सी जीवित से अजीवित रूप में, अजीवित से जीवित रूप में। ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा एक कार्बन चक्र का भाग नहीं है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का क्रिस्टल रूप है? ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अब भारत में हीरा कहाँ नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी कर्नाटक के गोलकुंडा में। ऑप्शन जो है ना सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हीरे का वजन कैरेट में व्यक्त किया जाता है। एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। एक कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के। ये जो है ना बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लोरीन एक अपर रूप है। ऑप्शन डी कार्बन का। किसका अपर रूप है? ये कार्बन का। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है। उसके अणु में कार्बन के परमाणुओं की संख्या संभावता हो सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन 60, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 90। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चीनी के निर्माण में सफ़ेद क्रिस्टल उत्पादित करने के लिए किसका विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पांतव्य चारकोल का।
ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, आंतव्य चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर विशाल ऊष्मा उत्पादित करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित समीकरण 2NaSCO3 इज इक्वल ऊष्मा H2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में प्रयोग विधि कहलाती है। ऑप्शन ए ऊष्मीय विघटन, ये ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की जा सकती है। ऑप्शन बी संगमरमर के टुकड़ों से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी हवा की अपेक्षा सघन, हवा की अपेक्षा कैसी है ये? सघन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, पानी में CO2 की विलयता है। ऑप्शन ए दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, क्या होती है? दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। ऑप्शन बी शुष्क बर्फ, क्या कहलाती है? शुष्क बर्फ। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 परिवर्तित कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस तरह से ऑप्शन बी इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पेपरों में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमने पार्ट 11 साइंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद पार्ट 12, पार्ट 13 और पार्ट 14 के वीडियोज़ रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम अपलोडेड कर देंगे। और अभी ये वीडियो कैसा लगा? यदि इससे पहले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके साथ आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे दोस्तों है ना उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, है ना, जिससे वो अच्छा स्कोर करके आपके साथ आगे जो है ना पढ़ाई कर सकें एक्सीलेंस स्कूल मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से है ना सब्सक्राइब करवाएं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, जिससे कि जैसे ही 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ऑनलाइन क्लास में आसानी से ले सकूंगा, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।